दोस्तों, जो आज आपके सामने जो नया वीडियो है वो है हमारे सामने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर हम फाइंड करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लार्ज सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, त्रिज्यखंड मैंने बताया था क्या होता है, तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। त्रिज्यखंड क्या होता है, ऐसी आकृति जो किसी वृत्त के अंदर दो त्रिज्याओं से घिरी होती है उसे हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में, यानी कि लार्ज सेक्टर क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकालते हैं, तो वही अप्लाई करना, बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दो, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला बताया था, या तो आप ऐसे लगा लीजिए, थोड़ा इसमें और सिंप्लीफिकेशन करना है तो यहाँ पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो बन जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360 अप्लाई कर दीजिए, इससे भी निकल आएगा। कई तरीके हैं, या फिर एक तरीका है कि आप पहले इसको अलग निकाल लीजिए, इसको अलग निकाल लीजिए और फिर माइनस करें तो भी निकल आएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से इसको अच्छे से क्लियर करते हैं और फिर बताते हैं क्या करना है आपको। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी जो आपके वृत्त दिखाई दे रहा है इसको मैंने मान लिया है कि 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है। ठीक है, और इधर से भी कितना होगा, 14 की रेडियस सारी, एक वृत्त की रेडियस सारी क्या होती है, बराबर होती है, तो ये भी होगा 14 सेंटीमीटर। और इनके बीच का जो कोण है थीटा वो हो गया 60 अंश का हो गया। तो हमें इसके दीर्घ त्रिज्यखंड यानी लार्ज सेक्टर निकालना है। तो क्या होता है, मैंने बताया था कि लार्ज सेक्टर क्या होता है कि यानी अगर जो ये त्रिज्यखंड निकाला है, ठीक छोटा वाला, इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, वही जो ये लाइन जो जा रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, इसका दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, यानी कि लार्ज क्या होता है कि यहाँ से जहाँ से छोटा खत्म होता है वहाँ से लेकर पूरा एरिया जो बनता है वो होता है दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया है तो उसी को यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। हम क्या कहते रखे पहले वो रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आर जो दिया गया है, रेडियस कितनी यहाँ पे दिख रही है, 14 सेंटीमीटर, तो मैंने रख दिया है 14 सेंटीमीटर। और भाई थीटा कितना है, 60 अंश दिया गया है। हमें इसे निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो भी कौन सा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या मैंने बनाया, पाई स्क्वायर, आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके दोनों अप्लाई कर लीजिए। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, कई लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ के फॉर्मूला क्या बन रहा है, पाई आर स्क्वायर, तो भाई पाई स्क्वायर है पहले, फिर क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर वैल्यू रखेंगे, पाई वैल्यू सभी को पता है, पाई बटे 7 होती है, ठीक वो रखा। आर कितना मैंने लिया है 14, तो 14 का स्क्वायर, थीटा कितना लेट किया है 60 अपॉन 360 इंटू 22/7, आर कितना है 14 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टू टाइम लिखेंगे, 14 × 14 माइनस, यहाँ कैंसिल हो गया, 6×6=36, 1/6 बचा इंटू 22/7, इसको टू टाइम लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कई लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग बच्चों में लोग क्या करते हैं मिस्टेक, यहीं से 14 स्क्वायर लिखा, आप लोग क्या करते हो यहीं से काट देते हो और इसके बाद फिर कन्फ्यूजन कि आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा। ध्यान रखिए, हम तभी कट करेंगे जब तक ये पावर ओपन नहीं होती, पावर को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए 7×2=14 हो रहा है, यहाँ भी 7×2=14, यहाँ पर थोड़ा सा और कैलकुलेशन हो जाएगा, 2×3=6, और यहाँ पर आ जाएगा 2×7=14 आ जाएगा। अब यहाँ क्या क्या बचा है, इधर साइड 22 बचा है, 2 बचा है और एक 14 बचा है। भाई इधर साइड क्या क्या बचा हुआ है, 22×2×7/3 बचा हुआ है। अभी क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल, उसको माइनस करेंगे तो मैं फटाफट से कैलकुलेट करके यहाँ पर रख देता हूँ क्या आएगा। इसके वजह मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 616 और इसको सॉल्व करने मिला 308/3। एक तरीका है तो उसको यहाँ पॉइंट्स में निकाल लें, या फिर एक तरीका है कि पहले एलसीएम ले और फिर कट करें। बात तो एक ही आएगी, लास्ट में आपको 3 से कट ही करना पड़ेगा, तो लोग क्या कम करते हैं, इसको पहले काट लेते हैं। तो 3 से डिवाइड किया, 3×3 0 है, 0 आएगा, फिर 3×2=6, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, 3×6=18, ये चलता रहेगा, यानी 102.66 निकला इसका डिवाइड करने। अब क्या करेंगे हम लोग, 616 से माइनस किसको कर रहे हैं हम लोग, 102.66, तो कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ माइनस लगाएंगे, 10 में 6 गए 4, 9 में 6 गए 3, 5 में 2 गए 3, यहाँ कितना बचा 1, 6 में से 1 गए 5, फिर चेक कर लो, 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा 9, 9 में 6 गए 3, यहाँ कितना हो गया था 5, कैरी दिया था तो 5 में 2 गए 3 बचा, यहाँ तो कुछ किया नहीं इसने तो 1 को 1 आ जाएगा, और 6 में से 1 गया 5, कितना मिला हमको 513.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने क्या किया कि ये चीज़ों को मैंने समझा दिया कि कैसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड या लार्ज सेक्टर कैसे निकालते हैं।
तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, काफी समय अच्छे समझ में आओगे दीर्घवृत्त तेजखंड क्या होता है और तेजखंड क्या होता है, दोनों में अच्छे से क्लियर कर दिया। और आपको कोई भी डाउट रह जाए तो बेचक कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट्स करें, और ढेर सारे वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, और हमें प्लेलिस्ट का नाम है मैथमेटिक्स फॉर्मुलास, वहाँ पर जाएंगे और ढेर सारे वीडियोज मिलेंगे जहाँ पर अपने मैथ को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अच्छे से। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।